अब आप उसको एके मिश्रा के पास चलूंगा। मिश्रा जी बीजेपी के लोग, अरे रुको भाई, एके मिश्रा जी काम करते हैं हमेशा। जी रुको ना, मैं भी ऐसा, रुको भाई, रुको रुको भैया रुको जी। मिश्रा जी देखिए, आपका आपका जो पहला सवाल है, यूपी से जो इतने सारे लोग हैं जिनको ये सजा दी गई है, ये इतिहास का बड़ा दुर्भाग्य है सर। आप देखिए, पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था ना, तो वह यहाँ पे भी एक ऐसी जमात थी जो इन सब चीजों का बड़ा फेवर कर रही थी। ये वाकई में हमारे लिए, देश के लिए दुर्भाग्य का बात है। और आजमगढ़ केवल यहीं पे नहीं, आजमगढ़ एक ऐसी खेती बन गई थी जहां अंडरवर्ल्ड डॉन वगैरह इन सब चीजों की, शार्प शूटर वगैरह, सारी की सारी जो बेसिक सप्लाई होती थी वो आजमगढ़ से होती थी। मैं तो माननीय न्यायालय का शुक्रिया अदा करूंगा कि इसमें फिर भी देर हुई, ये चीज पहले हो जाना चाहिए था। जीरो टॉलरेंस देश को, सरकार किसी की भी हो। इसी में एक एंगल डेफिनेटली, अगर समाजवादी पार्टी क्या कोई नेता जो है चुनाव में एक्टिव है, उनकी पार्टी का कोई आदमी ऐसे मिला है, तो ये बहुत सोचनीय बात होगी भारतीय राजनीति के लिए कि किस तरीके के लोग जो है राजनीति में उसे पड़े हैं। जो है राजनीतिक स्तर गिर रहा है। मिश्रा जी मैं पूछना चाह रहा हूँ बड़ा प्रैक्टिकल होके, कल वोट है 59 सीटों पर, उस वोट में एटा में, इटावा में, मैनपुरी में, औरैया में कोई फर्क आप देख रहे हो, झांसी में, बांदा में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वोट ये है कि जीवन से संबंधित जितनी चीजें हैं, हर चीज का थोड़ा थोड़ा असर तो मानव मन मस्तिष्क पर पड़ता है। अगर ये जो सजा सुनाई गई है और जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैंने भी जब ये चीज सुना था तो मुझे भी ये लगा था एक निगेटिव इमेज बनती ही बनती है। इस ये निगेटिव इमेज समाजवादी पार्टी के लिए घातक होगी, चाहे वो उसका इम्पैक्ट चाहे पॉइंट में जाए, चाहे दशमलव में जाए, चाहे जो भी जाए। और यही कारण है कि विपक्षी दल यानी इनकी जो विपक्ष है बीजेपी, वो उसको इस मुद्दे को हाईलाइट भी कर रही है। और एक 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 मिश्रा जी, दूसरा मेरा सवाल ठीक आ गया, इसमें समझ गया। दूसरा प्रश्न था, क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो दो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र हैं, गोरखपुर और करहल, करहल में कल वोट होना है, क्या आपको ऐसा लगता है कि करहल में भाजपा ने बघेल को उतारकर उसके बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ तमाम लोगों को कैंपेन में करहल उतारकर प्रॉपर उस कस्बे में, छोटे से कस्बे में इलेक्शन को नेक इन नेक बना दिया है, चुनौतीपूर्ण बना दिया है? जैसा पहले इंप्रेशन था कि ये इलेक्शन वन साइडेड होगा, अखिलेश यादव पर्चा भरेंगे और उसके बाद कोई बहुत बड़ी चुनौती वहां नहीं खड़ी होगी, आपको क्या लगता है? नहीं, आपकी आपकी बात एकदम सही है और ये वाकई में इन्होंने नाक में दम कर दिया है बीजेपी वालों ने। उसके पीछे कारण है, बीजेपी की एक स्ट्रेटजी रही है, बात एक सीट की नहीं होती है। आप ये देखिए, राहुल गांधी जब अमेठी से थे तो बीजेपी जो प्रतिष्ठा वाली सीटें होती है ना, वो केवल हार और जीत के लिए नहीं, वो पार्टी के लिए नाक की लड़ाई हो जाती है। और ये बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है कि एटलीस्ट मुखिया जहां से लड़ रहे हैं वहां प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए या वहां उनको हरवाया जाए। शायद मेरे ख्याल से बंगाल उंगाल में भी ममता बनर्जी के साथ ऐसा रहा था। इसको समझने में ये लोग बड़े जो है फेल हो गए, समाजवादी पार्टी वाले। ये निश्चिंत बैठे थे कि यहाँ कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन वो सेंटर पॉइंट है, वो जो सीट है या इस तरह की जो सीटें होती हैं, वहां अटैक करना मतलब शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट नब्ज पे अटैक करने मिश्रा, एक मिश्रा, एक मिनट, क्या आपको लगता है करहल नंदीग्राम पार्ट टू होने जा रहा हो की स्थिति में है? भाई साहब दर्शित लग रहा है क्या? ज्यादातर चांसेस मुझे ये लग रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी अगर पीछे पड़ जाए तो वो बिना किसी रिजल्ट के या बिना किसी कारण के पीछे नहीं पड़ती है। इन्होंने इसकी तैयारी नहीं की, ये इनकी गलती थी, इनको तैयार रहना चाहिए था। एक बात कह दूं, ये सराय मीर जगह बहुत छोटी है, एके मिश्रा जी, जगह तो बहुत छोटी है, लेकिन छोटा शकील, बड़ा शकील, इतना शकील, उतना शकील, जितने बवाली है ये ग्लोबल, उन सबके चेले चिंटू यही सप्लाई हुए। देखिए अग्निहोत्री जी, मैं आपको बता दूं, छोटा कस्बा रकबे में छोटा है, एरिया में छोटा है, आप केवल एक डिस्ट्रिक्ट की ही बात करिए, लेकिन जिधर उन्होंने धारा पकड़ी, मुझे पता नहीं ऐसा क्या कल्टीवेशन हुआ वहां पे, ऐसी कौन सी संस्कृति वहां पे फैल गई, कौन से ऐसे नेता वहां पे फैल गए जो तार जुड़ गए। आपने सही बोला, निगेटिव वे में ही, भले ही वो कस्बा छोटा था, लेकिन काम निगेटिव वे में देश के खिलाफ आतंक के रूप में वहां पे बहुत बड़े बड़े किए, हाँ बहुत बड़े बड़े वहां पे लोगों ने कहा। और यही कारण है कि राजनीति में, डिबेट में इस चीज की चर्चा जरूर होनी चाहिए कि एक छोटे से कस्बे ने पूरे देश में जो है मतलब एकदम आतंक फैला के रखा हुआ था। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि पहले उस कस्बे को स्वच्छ करने के लिए पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया, क्या सरकारें ध्यान नहीं देती थी या सरकारें या उनके नेता खुद वहां पे कल्टीवेट करते थे? ऐसे
जगहों को चिन्हित करना चाहिए, सरकारों को अलर्ट रहना चाहिए, जो सामाजिक परिवर्तन हो, सुरक्षा के हिसाब से जो उपाय हो तुरंत वो वहां पे उनको करना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात कही मिश्रा जी आपने। आनंद आ रहा है, आ रहा है। मैं इसमें एक बात कहूंगा कि एके मिश्रा जी ने कहा कि मसला क्या रहा, मैं थोड़ा सा एक मसले पर एक एक 30 सेकंड बोल के आनंद आप कहो कि बात करो। मान लो 1947 की तो 1897 खड़ा कर देंगे, 1857 की बात करोगे तो कह देंगे कि चित्तूर की रानी चेन्नम्मा का क्या हुआ, उनकी बात करोगे तो कहेंगे फिर और पीछे चले जाएंगे। एक विचार ये प्रवृत्ति है ना, खतरनाक नहीं प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है, खतरनाक है और जिम्मेदारियों से भागने की प्रवृत्ति है। पिन पॉइंटेड आपसे जिस टॉपिक पे बात किया जा रहा है वो मुद्दा है, उसका सलूशन क्या है ये बताने की बजाय आप इतिहास में चले जाए, यानी कि अपने सर का बोझ आप उठा करके दूसरे के सर पे डाल दें और इसी का परिणाम है। मैं आपको बताऊं कम से कम एटलीस्ट भाजपा को मैं एक चीज ये जरूर बोलूंगा या न्याय प्रक्रिया वगैरह, अभी अगर इन लोगों से बात की जाती तो ये जो करंट में 38 लोगों को फांसी हुई है उसको भी ये मुद्दा न मान के कहीं और भटकाना शुरू कर देते। कम से कम हेड ऑन करना चाहिए मुद्दों को लेकर के, बैल को जो है सामने सींग से पकड़ना चाहिए। ये पार्टियों के अंदर ये दिलेरी होनी चाहिए जो कि बहुत बड़ी कमी। ब्रेक लेना है तुरंत आए।